नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचानी न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। यास तूफान का कहर झारखंड के विभिन्न इलाकों में देखने को मिल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट हमारे पास झारखंड के कई जिलों की आ चुकी है। हम एक एक करके झारखंड के उन जिलों की तस्वीर दिखाएंगे जहां किस तरह साइक्लोन यास का कहर देखने को मिल रहा है और क्या क्या क्षति भी अब तक उन इलाकों में हो चुका है। ये जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड की है, जहां रांची की है, जहां एनडीआरएफ की टीम राहत कार्यों और बचाव में लगी हुई है। तूफान में कई पेड़ गिर गए, जिसके बाद से एनडीआरएफ की टीम वहां पे मशक्कत कर रही है और रास्ते को खाली कराने के लिए जुगत में है। वहीं ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सारंडा जंगल की है, जहाँ तेज तूफान और बारिश के बाद सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। वहीं जो यह तीसरी तस्वीर देख रहे हैं झारखंड के चाईबासा की है, जहाँ नदी में बाढ़ आने के बाद पानी सड़क पर बह रहा है और पूरा नज़ारा एक नदी जैसा बना हुआ है। वहीं जो आगे की तस्वीर आप देख रहे हैं चाईबासा में हेरनी फॉल का है, जहां बारिश से नदियां उफान पर है। वहीं जो आप अगली तस्वीर देख रहे हैं लातेहार की है, जहां नदी में अचानक बाढ़ आ गई और नदी पार कर रही बोलेरो वाहन बाढ़ की चपेट में आ गई। वाहन पर सवार चालक समेत चार बारातियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। वहीं जो यह आप अगली तस्वीर देख रहे हैं रांची के तमाड़ में कांची नदी का है, जहां करोड़ों की लागत से यह पुल बनाई गई थी और यह यास चक्रवाती तूफान में यह धराशाही हो गया है। करोड़ों की लागत से बनने वाली यह पुल तमाड़ बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता था। 3 साल पहले ही यह पुल बनकर तैयार हुई थी और इस साइक्लोन में इसका जो हश्र हुआ वह सबके सामने है।